हेलो गाइस, मैं भावना। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ होली स्पेशल खस्ता ठेकुआ की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इतना खस्ता कि हाथ लगते ही टूट जाता है, देख सकते हैं। तो चलिए, इसकी रेसिपी मैं बताने जा रही हूँ और बिना सांच के ही इतना परफेक्ट डिजाइन बनके तैयार होगा और इतना कम टाइम में इतना परफेक्ट बन जाएगा कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और जब इसको पलटाते हैं तो एकदम हल्के हाथों से पलटाएं। तो चलिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्चा नारियल ले लिए हैं। इसके ऊपर का जितना परत है ब्लैक वाला, सभी को हम हटा देंगे बारी बारी से। तो देख सकते हैं, इस तरीके से मैं सभी इसके पीछे वाला भाग को काट के हटा देंगे। उसके बाद सभी नारियल को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जितना नारियल है। इससे क्या होगा कि जब हम इसको पीसेंगे मिक्सर जार में डाल के, तो बहुत जल्दी और आसानी से पीस के तैयार हो जाएगा और देखने में भी फ्रेश फ्रेश लगता है। इसलिए इसका ऊपर का परत जितना है सभी को हम हटा दिए और छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अभी सभी को हम पीस के तैयार कर लेंगे। पीसने के लिए हम ले लिए हैं मिक्सर जार, इसमें डालते जाएंगे और सभी का नारियल को पीस के हम तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरीके से सभी नारियल को हम पीस के तैयार कर लिए हैं। अब ठेकुआ बनाने के लिए हम एक पाव यानी 250 ग्राम सूजी लिए, 250 ग्राम मैदा और आधा किलो के लगभग नारियल का बुरादा या बुरा, जो कुछ आप बोलते हैं। कच्चा नारियल नहीं है तो आप मार्केट में भी नारियल का बुरा अवेलेबल है, वो भी आप ला सकते हैं। और आधा किलो के लगभग, आधा किलो से थोड़ा कम हम इसमें चीनी ऐड किए हैं। और एक पाव रिफाइंड ऑयल या घी डालना चाहते हैं तो आप घी डाल सकते हैं। थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया हुआ मूंगफली सभी को डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे पहले, बिना पानी डाले हुए, क्योंकि हम कच्चा नारियल को पीस के डाले हैं, उसमें भी पानी रहता है। और हम एक आधा चम्मच इसमें अजवाइन डाले हैं और अगर आप इलायची पाउडर डालते हैं तो अजवाइन नहीं डालें, अगर अजवाइन डालते हैं तो इलायची पाउडर नहीं डालें, दोनों में से कोई एक चीज़ ही डालें। अजवाइन डाले हैं और थोड़ा सा हम 1/3 टीस्पून हम इसमें डाल दिए हैं नमक। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट कुछ बिस्कुट के जैसा लगेगा, इसीलिए हम नमक डाले हैं। अगर आप व्रत या किसी त्यौहार के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें नमक नहीं डालें, उसको स्किप कर सकते हैं। देखिए, बिना डाले हुए ही, पानी डाले हुए ही जिसको इसको हम इस तरीके से दबाते हैं तो ये बाइंडिंग इसका बन रहा है, तो पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। इसको दबा के पहले तो हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, उसके बाद हम हथेली की मदद से इसको दबा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से बनाएंगे तो देख सकते हैं ठेकुआ मेरा अच्छे तरीके से बंध रहा है। तो इसी तरीके से आप सभी को पहले बना लें, उसके बाद इसको हम हथेली पे दबाएंगे हथेली की मदद से। और देखिए, तार का जो पंखा होता है उस पे हम डालेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और देखिए कितना परफेक्ट डिजाइन बन जाता है। तो है ना, बिना सांच का एकदम परफेक्ट बनने वाला ठेकुआ का डिजाइन। तो इसी तरीके से सभी ठेकुआ को मैं बारी बारी से बना के तैयार कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिजाइन बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत आसान तरीके से बनने वाला।
इधर कढ़ाई में हम तेल डाल दिए हैं, तेल गर्म हो चुका है। इसमें बारी बारी से ठेकुआ डाल दें और इसको अच्छी तरीके से पलटते हुए हम पकाएंगे, क्योंकि ये खस्ता ज़्यादा होता है और नारियल का भूरा डाले हैं वो भी कच्चा है। इसको आप मीडियम फ्लेम पे पकाएं, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बहुत ही परफेक्ट खस्ता ठेकुआ बनके तैयार हो जाता है। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई करें, अपना अनुभव कमेंट के ज़रिए शेयर करें। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। मैं रोज़ शाम को एक न्यू रेसिपी के साथ आती हूँ, और अगर कोई कमी रही हो या आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर नहीं लगी या कोई कमी है तो कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।